मालिक ने नौकरानी के साथ की ऐसी शर्मनाक हरकत, सीसीटीवी में कैद हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा। आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन लोग आपको तब तक पसंद नहीं करेंगे जब तक आप दूसरों से अदब से पेश नहीं आते, उनके मान सम्मान का ध्यान नहीं रखे। लेकिन कुछ अमीर जादों के दिमाग में ये बात नहीं घुसती है, वे अपने से निम्न वर्ग के लोगों को तुच्छ समझते हैं। कई लोग तो इनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। यदि कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति आपको कोई सर्विस दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसे खरीद लिया है और आप जो भी कहेंगे वो आपकी हर बात मानेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बात नहीं समझते हैं और अपने घर में काम पर रखने वाले नौकरों को अपनी जागीर समझने लगते हैं। नौकरों के साथ दुर्व्यवहार करने का ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई का है ये मामला। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो मुंबई के पवई इलाके का है। वीडियो में 48 वर्षीय महिला एक बिल्डिंग की लॉबी के अंदर जा रही होती हैं। तभी उसके सामने 32 वर्षीय वालेंटिनो बख्शी नाम का शख्स आकर खड़ा हो जाता है। ये शख्स महिला से कुछ कह रहा होता है और तभी उसे जोर से धक्का देता है। धक्के की वजह से महिला सीधा दीवार से टकराती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ये वीडियो। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह ये आदमी इस महिला को धक्का देने के बाद कुछ बड़बड़ा रहा है और फिर उसे एक जोरदार किक मारता है। इस बीच बिल्डिंग का गार्ड वहां आ जाता है, लेकिन उस गार्ड की भी मामले में दखल देने की हिम्मत नहीं होती है। अंत में वो आदमी वहां से चला जाता है। सूत्रों के अनुसार बख्शी नाम के इस शख्स के हमले की वजह से महिला को सिर और अन्य जगह पर कई चोटें आई हैं। उसने इस घटना के बाद अपनी बेटी को फोन कर बुलाया, जो उन्हें अस्पताल ले गए। महिला ने बताई ये वीडियो मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में पीड़ित महिला ने कहा कि बख्शी साहब चाहते थे कि 7 मार्च वाले दिन मैं उनके घर में काम करूं, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। इस बारे में मैंने एक दूसरी नौकरानी और बिल्डिंग के गार्ड को भी बताया था। शायद इसी वजह से उन्हें ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। बताते चले कि ये लड़ाई झगड़े वाली घटना 18 मार्च की है, जब मिस्टर बख्शी इस महिला को मार रहे थे, तो ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। मिस्टर बख्शी ने बताई ये वजह। हालांकि इस पूरे मामले पर मिस्टर बख्शी की कुछ और ही कहानी है। उनका कहना है कि महिला उनके पास एक टीवी खरीदने आई थी, जो वे 2000 रुपए में बेच रहे थे। बख्शी ने उस महिला को टीवी बेचने से मना कर दिया था। इसके बाद घटना वाले दिन जब महिला बख्शी के सामने आई, तो फिर उसी टीवी के बारे में बात करने लगी। इस दौरान वो काफी नजदीक थी और उसके मुंह से थूक बख्शी के मुंह पर आ रहा था, इसलिए उन्होंने उसे थोड़ा सा धक्का दे दिया। पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया मामला। वैसे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे नजारे से बख्शी की स्टोरी पर यकीन करना मुश्किल है। पुलिस ने बख्शी के खिलाफ YPC की धारा 354, 337, 323 और 504 के तहत मामला दर्ज किया है।